देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने की चिट्ठी से मचा हड़कंप। अहमदपुर रौनी निवासी पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर। कन्नौज के अहमदपुर रौनी गांव निवासी मुनीम खां का पुत्र मुबीन खां ने गुरुवार को सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि 5 अगस्त 2021 को उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ित व उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकी देते हुए जान माल की सुरक्षा के बदले 5 लाख रंगदारी की मांग की गई है। जान से मारने व सुरक्षा के बदले 5 लाख रुपए की रंगदारी की बात सुनते ही पीड़ित के होश उड़ गए। उसने आनंद फानन में गुरुवार को सदर कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उक्त रजिस्टर डाक पर प्रेषक का नाम पता रविदास करिया कुलापुर पुल जसोदा कन्नौज लिखा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि हिस्ट्री सीटर अपराधी रविदास करिया वर्तमान समय में जेल में बंद है, फिर भी इस मामले की जाँच कराई जा रही है। आखिर रंगदारी की चिट्ठी किसके द्वारा भिजाई गई? कन्नौज से संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनीम। मुनीम जी, कोतवाली क्यों आए, क्या है मामला? मामला ये है कि ये चिट्ठी जो है हमको दी गई है, इसमें फिरौती मांगी गई है। तो ये चिट्ठी आपको कैसे मिली? इस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या बताया गया? 5 लाख रुपये फिरौती मांगी गई, नहीं तो जान माल का खतरा, बच्चों को भी मार देंगे अपने को भी। तो ये कौन फिरौती मांगने वाला है, क्या नाम है इसका? इसमें जो है वो रविदास करके है, पता नहीं कौन है। रविदास करिया? पर ये तो बताया जेल में है। ये तो हमें नहीं पता है। तो इस मामले लेकर आपने पुलिस से भी शिकायत की है? कल चिट्ठी मिली है, आज आए हैं। ये कहाँ का मामला है? मैं अहमदपुर रौनी का रहने वाला। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।